सब्सक्राइब करिए नियति किचन को और प्रेस करिए बेल आइकॉन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियति'स किचन। नियति'स किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हम सभी की फेवरेट व्रत में खाई जाने वाली साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और बनाने में इतनी आसान होती है, हम सभी को इतनी पसंद होती है कि हम इसे व्रत के साथ साथ बाकी के नॉर्मल दिनों में बना के खाना बहुत पसंद करते हैं। और आज मैं आपको इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगी और एक नए तरीके से खाना बताऊंगी, जिससे आज के बाद आपकी ये रेसिपी आपको और भी ज़्यादा पसंद आने लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इस इमेज में आपको दिए हुए हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई या फिर पैन और उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी या फिर तेल, और उसके बाद ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा का। इतना जीरा लिया था मैंने, इसमें इतना ही ऐड किया है। अगर आप व्रत में जीरा ना खाते हो तो ना डालें। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 8 से 10 रोस्टेड पीनट, यानी सिंगदाने को अच्छे से भून के ऐड कर लिया है। उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चें लिया और बीच में से काट के फिर इसको ऐड किया है इसमें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर। हरी मिर्ची को मैंने यहाँ पर बीच में से सिलेक्ट करके, यानी बीच में से कट करके ऐड किया है, जिससे उसका जो तीखापन है वो तेल में पूरा आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप चाहें तो बारीक बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा मैश करते हुए टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू को। आलू को मैंने पहले उबाल लिया था, उसके बाद इसे बारीक बारीक कट कर लिया, यानी छोटे पीसेस में कट कर लिया था, फिर मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे भी अच्छे से सारे मिक्सचर के साथ मिला लेंगे, यानी सॉटे कर लेंगे। आलू को मिला लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक, और सेंधा नमक ऐड करके उसे भी हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। मिला लेने के बाद हम इसे ढक देंगे और ढक के 1 मिनट के लिए पका लेंगे। सो अब 1 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन को हटा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे मसाले आपस में पक चुके हैं, इस तरह से तेल भी दिखने लग गया है, मतलब हमारा जो आलू का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। तो एक बार हम इसे मिला लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे आखिर में भिगाया हुआ साबूदाना, और साबूदाना ऐड करके हम इसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे। और एक और बात फ्रेंड्स, कि जब भी आपको साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने की कोई भी डिश बनानी हो तो साबूदाने को एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप भिगाने के लिए रख दीजिए। और परफेक्ट रेशियो ये होगा कि जैसे आपने 1 कप साबूदाना लिया है तो उसको 2 कप पानी में भिगाने के लिए रखेंगे, तो एकदम परफेक्ट साबूदाना फूल के आपका रेडी होगा। साबूदाने को मिलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कटोरी रोस्टेड पीनट पाउडर, मतलब भुने हुए सिंगदाने का पाउडर। पहले सिंगदाने को मैंने अच्छे से भून लिया था कम आँच पे, फिर उसका छिलके निकाल के पाउडर बना लिया और उसे मैंने इसमें ऐड किया है। उसे भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। उसे मिलाने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच देसी घी का। देसी घी और नींबू का रस ऐड करने के बाद हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू के रस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और देसी घी से चिपकेगा भी नहीं, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है साबूदाने की खिचड़ी में। तो एक बार उसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ऐसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे नींबू का रस और घी अच्छे से मिल जाए। सो मिक्स कर लेने के बाद फिर से हम इसे ढक देंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। सो अब 1 मिनट हो चुके हैं, हमारा साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच कटी हुई धनिया, और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम एक बोल में सर्व कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ फरारी चिवड़ा, जो हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। मैं साबूदाने की खिचड़ी को उसी के साथ सर्व करती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ कटी हुई धनिया गार्निशिंग के लिए। सो रेडी है हमारी टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी सर्व करने के लिए। सो यही था मेरा नया तरीका साबूदाने की खिचड़ी को सर्व करने का। कैसा लगा आपको मेरा यह तरीका, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आएगा। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर एक बार विजिट करके देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और ऐसी और भी अमेजिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए नहीं थी
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकॉन पर भी, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की, अच्छी अच्छी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। आप हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इसी तरह के अमेजिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।